भिलाई में नकली सोना गिरवी रखकर 10 लाख रुपए की ठगी करने का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि शातिर ठग ने ज्वेलरी दुकान के संचालक के पास पहले चांदी का सिक्का 500 रुपए में बेचकर उसे झांसे में लिया। इसके बाद 800 ग्राम नकली सोने के गहने गिरवी रखकर 10 लाख रुपए ठग लिए। इससे पहले की देर होती ज्वेलरी दुकान के संचालक को माजरा समझ में आ गया और उसने उतई थाने में शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस ने भी सक्रियता दिखाते हुए चंद घंटों में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी के पास से 10 लाख रुपए की नकदी व नकली जेवर बरामद कर लिए गए हैं। वहीं उसका दूसरा साथी फरार बताया जा रहा है। दरअसल इस पूरे घटनाक्रम की शुरुआत 14 दिसंबर को हुई। ग्राम पुरई थाना उतई निवासी भोजराम सिन्हा ने अपनी शिकायत में बताया कि 14 दिसंबर को एक व्यक्ति उनके पास आया और 500 रुपए में एक चांदी का सिक्का बेचकर चला गया। इसके बाद 16 दिसंबर को वही व्यक्ति आया और 800 ग्राम सोने के गहने गिरवी रखने और उसके एवज में 10 लाख रुपए मांगे। व्यक्ति ने अपना नाम सेवाराम सोलंकी वसुंधरा नगर निवासी बताया। व्यक्ति के झांसे में आने वाले ज्वेलरी संचालक ने उसे 10 लाख दे दिए। बाद में पता चला कि यह गहने तो नकली हैं। शिकायत के बाद पुलिस ने मामले को गंभीरता से लिया और आरोपियों का पता लगाने के प्रयास तेज कर दिए। इसी दौरान जानकारी मिली कि भिलाई क्षेत्र में ऐसे ठगों का गिरोह सक्रिय है। इसके बाद पुलिस ने आरोपी सेवाराम सोलंकी को हिरासत में ले लिया। वहीं बता दें कि जब आरोपी से पुलिस सख्ती से पूछताछ की गई तो उसने अपने एक साथी के साथ वारदात कबूल करना स्वीकार किया। इस फरार आरोपी के धरपकड़ के प्रयास भी पुलिस ने तेज कर दिए हैं। दुर्ग भिलाई से संवाददाता राजेंद्र गाड़े के साथ सुनील सोनी की रिपोर्ट। ये तो सुना है नहीं कल है। इस पर थाने में रिपोर्ट हुई, थाने किया ही और उसके स्टाफ ने तुरंत रिस्पॉन्ड किया। इसमें सीसीटीवी फुटेज मिला। सीसीटीवी फुटेज से एक अच्छी चीज है कि पुराना जो स्टाफ है उसने इसको आइडेंटिफाई किया और अन्य स्टाफ की मदद से रात में इसको 1.5-2 घंटे पकड़े गए। इसके पूरे इससे जो पैसा ले गया था वो रिकवरी हुई। और जब पूछताछ पे बहुत सी ऐसी बातें हुई कि इसमें उड़ीसा के कई स्थानों पे इसने इस तरह की घटना की है, अपने छत्तीसगढ़ में भी और मध्य प्रदेश में। तो इसको अभी पूछताछ करके और डिटेल जहाँ जहाँ की घटना है वहाँ संबंधित थानों पे भी अपने सूचित करके आगे की कार्रवाई कर रहे हैं। सर, कई अंतर्राज्यीय गिरोह भी ऐसे सामने आते हैं, ज्वेलर्स वालों को कैसे आप लोग रिस्ट्रिक्ट करते हैं इस चीज़ के लिए, कैसे? इस पर हमेशा हम लोग मीटिंग लेके भी ये बताते हैं कि इस तरह से मत लें, कभी धोखा हो सकता है और जरूरत पड़ता है तो हम उस जगह पे उनका मेला पॉइंट इंटेंशन शो होता है तो हम उसको मुलजिम भी बनाते हैं। अभी जाँच कर रहे हैं, अगर कोई बातें आएंगी तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई की। सर, ये पूरी घटना का अकेले अंदाज़ लगा सकते हैं कि ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें, हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.